यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और इसके साथ ही नगर पालिका नुह कार्यालय परिसर में करीब 12वें दिन से हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की। कई दर्जन सफाई और दमकल के अलावा सर्व कर्मचारी संघ से जुड़े नेताओं को पुलिस ने धरना स्थल से जबरन बस में बिठा लिया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कर्मचारियों को धरना स्थल से नुह थाने ले जाया गया। इस कार्रवाई को उस वक्त अंजाम दिया गया जब पूर्व परिवहन मंत्री आफताब अहमद सफाई कर्मचारियों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना समर्थन देने पहुंचे थे। सीटीएम प्रदीप अहलावत की देखरेख में सारी कार्रवाई को पुलिस और प्रशासन ने अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि शहर में सफाई व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। दो के अंदर में आधे लोग काम पे आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे मुंह है यहाँ पे जो रोल पे लगे हुए नगर पालिका के और जो हमारे रेगुलर कर्मचारी हैं वो लगभग 53 के आसपास बनते हैं जो कि लोग स्टैक पर हैं, जो कि काम नहीं कर रहे हैं। तो आज सेक्रेटरी म्यूनिसिपल कमेटी ने अपनी दूसरी आउटसोर्सिंग एजेंसी कुछ लोग बुलाए हैं, जेसीबी ट्रैक्टर इन्होंने बुलाए हैं, तो उनको ये था कि अंदेशा था कि वो लोग हमें काम नहीं करने देंगे। तो सेक्रेटरी नू के अनुरोध के ऊपर में हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस का इंतजाम किया था, मैं खुद ही सुपरवाइज कर रहा हूँ उसको यहाँ पर। तो बीच में उन लोगों ने रुकावट करने की कोशिश करी तो हमने उनको इस जगह से हटा दिया, गिरफ्तार नहीं करा अभी उनको, अभी हमने उनके हाथ से हटाया है। लोगों को जिस तरीके की दिक्कत हो रही है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बड़ी भारी नारा देती थी सफाई अभियान का, और जिस तरीके के फोर्थ क्लास के कर्मचारियों के साथ आज अभद्र व्यवहार हो रहा है, उनकी जायज मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री जो हैं वो उसका समाधान नहीं निकाल पा रहे और जबरदस्ती उनको अपने हक मांगने के लिए अगर उनको गिरफ्तार करते हैं, उनके साथ पीड़ित करते हैं उनको, तो ये हम मानते हैं ये प्रजातंत्र और ये जो मूल भावना है आज़ादी की कि अपना विरोध करना दर्ज कराने को कभी दबाना चाहते हैं, ऐसी जो सरकार है जो इतना लोगों को और खास तौर पे कर्मचारियों को जो इतना दमन करना चाहती है उसका हम विरोध करते हैं।